तो बोलो एक बार जय श्री राम। और ये बच्चे फुल मजा ले रहे हैं। अच्छा, पूरा मजा आ रहा है। पूरा बहुत ही ज़्यादा। अच्छा घूमेंगे तो आप भी देखेंगे पूरा मांगेगा। अच्छा, तो यहाँ बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं, अभी से ही आ गए हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैं गाजियाबाद आया हुआ हूँ, और गाजियाबाद में जो कविनगर का दशहरा मेला लगता है वो, और घंटाघर में जो रामलीला मैदान है उसमें भी एक मेला लगता है। दोनों ही मेले मैं अभी कवर करने वाला हूँ बारी बारी से। तो अभी फ़िलहाल मैं आया हुआ हूँ घंटाघर वाले जो मेला लग रहा है उस मेले पर। तो फिलहाल अभी बाहर हूँ मैं गेट के, और यहाँ हाईवे चल रहा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। यहाँ अब इस तरफ ये सामने रामलीला मैदान का ग्राउंड है पूरा, और गेट है। चलिए मैं इसके अंदर चल रहा हूँ, और यहाँ की जो तैयारियाँ हैं कविनगर मेले के मुकाबले वो दिखाने वाला हूँ। चलते हैं पहले अंदर, और उसके बाद में बारी बारी से सभी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं अंदर। चलिए, ये यहाँ पर श्री सुल्लामल रामलीला कमेटी के द्वारा यहाँ पर आयोजन किया जाता है इस रामलीला का। तो यहाँ अब हम एंट्री कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों की यहाँ पर भीड़ एकत्रित है। तो चलिए अब अंदर हमने एंट्री कर ली है, और यहाँ से बारी बारी से मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अभी अवेलेबल हो चुकी हैं। जैसे झूले वगैरह आप सामने देख रहे हैं वो बन ही चुके हैं, और क्या क्या यहाँ पर दुकानें लगने वाली हैं और लग चुकी हैं वो सभी चीज़ें। फ़िलहाल तो यहाँ पर अभी ऐसी जानकारी मुझे मिली है कि एंट्री फ्री ही रहने वाली है। तो यहाँ के जो टिकट प्राइस हैं झूलों के, और चीज़ें हैं मनोरंजन की, झूले वगैरह हो गए, सर्कस हो गया, वो सभी यहाँ पर उनकी टिकट अगर प्राइस लिस्ट लगा दी गई होगी तो मैं उन चीज़ों को भी आपसे डिस्कस करूँगा। तो फ़िलहाल अभी हम अंदर आ गए हैं, और यहाँ पर सबसे पहले आपको एक फ़ोटो स्टूडियो देखने को मिलेगा, जहाँ पर कि अच्छे अच्छे फ़ोटो बनवाए जा सकते हैं। तो ये पिछले साल भी था और इस बार भी यहाँ पर ही है, और यहाँ ये मेला तैयार हो रहा है। सामने आप देख सकते हैं वो यहाँ रामलीला मंच है, जहाँ पर कि रामलीला का प्रसारण होने वाला है, कार्यक्रम होने वाला है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड रहता है रामलीला देखने के लिए। तो इसको मैं आपको पास से दिखा दे रहा हूँ पहले, और उसके बाद फिर आगे हम झूलों की तरफ और मार्केट की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ ये इसका मंच इतना बहुत ही ज़्यादा आकर्षित बनाया जाता है। यहाँ के जो कार्यक्रम किए जाते हैं वो एक एक कार्यक्रम देखने लायक होता है। यहाँ पर आकर के पूरा एंजॉय कीजिए आप रामलीला को, रामलीला के बारे में जानिए कि किस तरह से इस रामलीला के पूरे कार्यक्रम को प्रसारित किया जाता है। यहाँ ये सामने मंच बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, लाइटिंग तैयार की जा रही हैं, और ये आप देखिए एक रॉयल फील देता है ये पूरा मंच। जब आप इसको देखेंगे यहाँ रात में तो आपको एक अलग ही अनुभूति होने वाली है कि किस तरह से यहाँ पर ये इसका आयोजन किया जाता है। और यहाँ की कमेटी भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। यहाँ किसी तरह का कोई भी उपद्रव या किसी तरह की कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाती है, खास करके ऐसे ही कार्यक्रमों में जिनमें कि भक्ति भाव से भरे हुए होते हैं, और जिसमें सभी लोग, सभी हिंदू मुस्लिम या हर कह सकते हैं कि किसी भी जाति धर्म से आने वाले लोग यहाँ जो मेला देखने आते हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर सभी को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, ना कि कोई लड़ाई झगड़ा या किसी तरह की कोई बैर की जाती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये ग्राउंड पूरा रहता है, और यहाँ भी ये कुर्सियाँ आ गई हैं, जैसे कि आपने पिछला कविनगर के मेले में मैंने दिखाया था, सो उसमें भी अभी कुर्सियाँ बिछी हुई थी। तो ये यहाँ पर इस तरह से पूरा ग्राउंड रहने वाला है यहाँ का रामलीला का। यहाँ पर लोग बैठते हैं और यहाँ से सामने से पूरे कार्यक्रम को एंजॉय करते हैं। ये देखिए, ये अभी बन रहा है, जब आप बन जाएगा तो पूरा एक इस तरीके का लगेगा कि हाँ रॉयल बिल्कुल फील देता है ये यहाँ से। तो यहाँ इस तरफ ये सभी दुकानों की तैयारियाँ हो रही हैं जो लगने वाली हैं। लाइटिंग तो आप देख ही रहे हैं, लाइट तो लग ही चुकी हैं, और जो
यहाँ इन सभी द्वार जो लग रहे हैं, ये गेट बन रहे हैं लकड़ी के, इन सभी में पर्दे लगने वाले हैं, और जो जानकारी हैं, जो होर्डिंग्स हैं मेले को लेकर के, वो सभी यहाँ पर लग जाएंगे। आप नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को देख सकते हैं। और सामने यहाँ पर एक जानकी भवन बनाया हुआ है, वहाँ सामने आप देखिए उस तरफ, वहाँ पर एक जानकी भवन है। और यहाँ ये सभी दुकानदार हैं जो अपनी अपनी जगह को चिन्हित कर रखा है और उस पर अभी काम कर रहे हैं अपनी दुकानें लगाने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ ये जो सोडा की ड्रिंक मिलती है उसकी एक वैन खड़ी हुई है यहाँ पर, 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये तक यहाँ पर ये एक मिलती है इसमें एक ड्रिंक। और यहाँ ये दुकानें बन रही हैं सामने। और आप लोगों को बता दूं कि ये घंटाघर मार्केट के नाम से भी जानी जाती है गाजियाबाद में, अगर किसी को नहीं है मालूम। तो यहाँ ये सामने आप देख रहे हैं गेट वो वाला, तो उसके उस तरफ पूरी मार्केट घंटाघर मार्केट कहलाती है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे और सस्ते सस्ते सामान आपको ख़रीदारी के लिए मिल जाते हैं। घर की ख़रीदारी कीजिए आप, कपड़े खरीदिए, बर्तन खरीदिए, कुछ भी आप ख़रीद सकते हैं। यहाँ की सबसे ज़्यादा जो दुकानें हैं यहाँ कपड़ों की हैं, और कपड़ों में भी जो लहंगा है, चुन्नी है लेडीज़ के लिए, और दुल्हन को सजाने के लिए पूरा यहाँ पर उसका मार्केट रहती है। तो ये अभी मैं यहीं इसी रास्ते से होकर जा रहा हूँ जहाँ पर ये सब दुकानें बन रही हैं। फिलहाल अभी बनी नहीं है तो मैं यहाँ कहीं को भी निकल जा रहा हूँ। ये जैसे कि आप देख ही रहे हैं बार बार, ये झूले इस तरह के हैं, और यहाँ ये झूला भी है बड़ा वाला। तो यहाँ सभी दो झूले हैं, बड़े और एक ड्रैगन झूला इधर है, एक ड्रैगन झूला इस ओर है, एक ये झूला है। कभी नगर रामलीला मेले के मुकाबले ये वाला मेला थोड़ा छोटा होता है, कि इसमें ना इंजॉय करने वाले जो आइटम्स होते हैं, जो जैसे कि ये अभी झूले आप देख रहे हैं, तो वो थोड़े कम रहते हैं उसके मुकाबले, क्योंकि उसका ग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा है और वहाँ पर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा कम ऊंचाई वाले झूले रहते हैं और झूलों की जो संख्या है वो भी कम रहती है। यहाँ पर भी जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि प्राइस जो टिकट रहने वाली है झूलों की, वो यहाँ पर भी अभी डिसाइड नहीं की गई है। ये देखिए, तो अभी कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया गया है कि इन झूलों का इस बार क्या रेट रखा जाएगा, 50 रुपये 100 रुपये 60 रुपये जो भी रखा जाएगा वो मैं आपको वीडियो में अगली में दिखा दूंगा। तो फिलहाल आप इस वीडियो में बने रहिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिएगा किस तरह की वीडियो आपको मेरी लगती है ये। पूरा घंटाघर का रामलीला मेला है। और ये भी 10 तारीख से लगभग स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ बच्चे अभी से ही एंजॉय करना शुरू कर रहे हैं, ये देखिए। फुल मस्ती शुरू हो गई है बच्चों की अभी से ही। एक इस तरफ ये झूला है, यहाँ बुकिंग काउंटर है जहाँ से आप टिकट खरीद सकते हैं और झूले का आनंद ले सकते हैं। सामने जानकी द्वार
जो घंटाघर मार्केट में अंदर निकल जाता है, और यहाँ सामने सर्कस लगने वाला है, वहाँ सामने वाला सर्कस है। तो अभी किसी ने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया है कि इनके प्राइस क्या रखे जाएंगे क्या नहीं। तो वीडियो में बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है ये सभी चीज़ें मैं कवर कर लूँ और आप लोगों के लिए लेकर आऊँ दूसरी वीडियो। दोस्तों, ये था घंटाघर रामलीला दशहरा मेला की तैयारियों का वीडियो। इस वीडियो में आपने लोगों ने देखा कि क्या क्या यहाँ पर तैयारियाँ हुई हैं और कितनी तैयारियाँ यहाँ पर रह गई हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं कुछ नया लेकर आऊँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आप लोगों को। और कमेंट्स करते रहिएगा कि आप लोग कहां कहां से ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो शेयर भी करते रहिएगा साथ ही साथ वीडियो को। आप लोगों का प्यार मुझ पर बना रहेगा, मैं ऐसे ही निरंतर ऐसी वीडियो लाता रहूंगा आप लोगों के लिए, जिससे आप पूरा मेला कहीं लगने वाला होता है या लग चुका होता है उस मेले को कोशिश करता हूँ मैं कवर करने की अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने की। तो आप मेरे वीडियो के माध्यम से सभी चीज़ें आप घर बैठे इंजॉय कर सकते हैं, और ये बच्चे फुल मजा ले रहे हैं। अच्छा, पूरा मजा आ रहा है। हाँ, पूरा बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, आप घूमेंगे तो आप भी देखेंगे हमारे पूरा रामलीला। अच्छा, आप लोगों का ये रामलीला। तो बोलो एक बार, जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखिए अभी रात की तैयारी चल रही है घर की। हाँ, पूरा रामलीला बनने अंदर। तो यहाँ बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं, अभी से ही आ गए हैं बच्चे फुल मौज मस्ती में। तो ये मेले का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।